एक बार की बात है, एक कनकी चिड़िया बंदर और हाथी में पक्की दोस्ती थी। वे घने वन में रहते थे। वे सभी एक विशाल पेड़ के तले आपस में मिलते रहते थे। पेड़ बहुत ही पुराना था। चाहे कोई भी मौसम हो, उस पेड़ की शीतल छाया उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। वे जब से अच्छे मित्र बने थे, तब से वे पेड़ उनके लिए मिलने का ठिकाना था। तो हर बारी की तरह बंदर, हाथी और कनकी चिड़िया वापस उस पेड़ के नीचे मिलने आए। तो कनकी चिड़िया ने पूछा, बंदर भाई, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हमेशा तो लेट आते हो, आज बड़ी जल्दी आ गए। अरे हाथी भाई, तुम भी आ गए? क्या बात है, बड़ी जल्दी जल्दी आ गए दोनों, तो जरूर बात है। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मिलने आया था। और हाथी भाई, अपना हाल बताओ, कैसे हो तुम? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम सब बताओ तुम कैसे हो? और कनकी चिड़िया, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बस भैया, मैं तो ठीक ही हूँ। तुम लोग अपनी अपनी सुनाओ, कुछ परेशानी में नजर आते हो। अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हमेशा की तरह, बस मैं मिलने आया था। वो बात ऐसी है ना, हम जब से मित्र बने हैं, तब से पेड़ भी हमारा मित्र बना है, पर एक कंफ्यूजन दिमाग में है। कैसी कंफ्यूजन है भाई, आज क्या हो गया तुमको? हाँ हाँ भाई, क्या कंफ्यूजन है, बताओगी जरा? कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि जब से हम मित्र बने हैं, तब से ये पेड़ भी हमारा मित्र रहा है। तो मैं सोच रहा था कि हम तीनों ही इतने समझदार हैं कि जब भी हमारे बीच किसी विषय पे बात होती है तो इतनी बहस छिड़ जाती है, क्योंकि तीनों की समझदारी तो एक लेवल की ही है। तो मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए। कुछ नहीं, इसमें करना क्या है, जो ज्यादा समझदार है वही फैसले लेगा। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। मैं सोच रही थी कि हम तीनों मिलकर इस विषय पर सोचते हैं, फिर विचार करते हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ विचार तो करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना हम ये कर लें कि हम में से जो सबसे ज्यादा बड़ा है आयु में, वही ज्यादा समझदार है। तो बताओ कौन सबसे ज्यादा बड़ा है। तीनों आपस में ऐसे ही बहस करने लगे और विचार करने लगे। वहाँ बैठी कनकी चिड़िया बहुत ही ज्यादा समझदार थी और बहुत ही बुद्धिमान थी। तो उसने एक प्रश्न उठाया। सुनो भाई, अच्छा मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, बताओ हाथी भाई, तुम यहाँ कब से हो और ये पेड़ कब से है? मुझे उतना तो याद नहीं है, पर दिमाग पे जोर डालने पे ये याद आ रहा है कि जब मैं छोटा था तो ये पेड़ भी छोटा था, तो मैं अपनी पीठ इसके तनों से खुजाता था। मुझे बस इतना ही याद है। अच्छा, तो तुम्हें इतना ही याद है। अच्छा बंदर भैया, तुम बताओ तुम्हें क्या याद है, तुम कितने छोटे थे? हाँ, मैं तो बहुत ही छोटा था जब ये पेड़ भी एकदम पौधा था। मेरे को हर चीज को चखकर उसका स्वाद लेना बहुत पसंद था, तो मैं इसकी पत्तियां चबा चबा कर इसका स्वाद लिया करता था। बस इतना ही याद है। तुम बताओ कनकी, तुम कब से हो? मैं जब साथ वाले जंगल में रहती थी ना, तब वहाँ एक बड़ा विशाल पेड़ था। मैं उसके फल खाकर आ ही रही थी, तब मेरे मुंह से एक बीज गिर गया था, जिससे कि ये पेड़ उगा। अब बताओ कौन सबसे बड़ा है? मुझे तो कनकी ही सबसे बड़ी लगती है, यही हमसे आयु में सबसे ज्यादा बड़ी है, यानी यही ज्यादा बुद्धिमान है। हाँ, यही ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि हमसे आयु में तो यही बड़ी है। तो तुम ही कनकी बहन सबसे ज्यादा समझदार हो। अब हमारे बीच कोई भी बहस या फैसला होगा तो तुम ही करोगी इसका इलाज, और तुम जो निर्णय लोगी हमें मंजूर होगा। हाँ कनकी बहन, पर हमेशा न्याय का साथ देना, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ भाइयों, मैं हमेशा न्याय का साथ दूंगी और हमेशा हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। तो यहाँ पे तीनों ने आपस में मिलजुल कर इस समस्या का भी समाधान निकाल ही लिया। यहाँ पे कनकी चिड़िया सबसे बड़ी कहलाई और समझदार भी। तो इसका मॉरल हुआ, हमेशा मिलजुल कर समस्याओं का हल निकालना चाहिए।